शुरुआत करते इस बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। 36 राष्ट्रीय राइफल्स और बीएसएफ के बैंक कैंप पर आतंकियों ने यह हमला किया है। हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है जबकि एक जवान जख्मी हो गया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रात करीब 10:30 बजे 3 से 4 आतंकियों ने यह हमला किया था। शुरू में ये खबरें आई थी कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि इस वक्त की खबर ये है कि अभी किसी आतंकी की डेड बॉडी नहीं मिली है। बताया ये भी जा रहा है कि झेलम नदी के किनारे से ये आतंकी दाखिल हुए थे। तो कल रात 10:30 बजे के करीब ये आतंकी हमला हुआ है और बताया जा रहा है झेलम नदी के किनारे से ये आतंकियों ने घुसपैठ की थी। पहले ये बताया जा रहा था कि 2 आतंकी मारे गए हैं लेकिन अभी तक किसी की डेड बॉडी नहीं मिली है। आतंक को पालने वाला पड़ोसी सर्जरी के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान के आतंकी आकाओं ने फिर दहशतगर्दों की एक खेप भेजी। उरी हमले के 15 दिनों बाद फिर से उरी जैसी वारदात को अंजाम देने के लिए रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। नापाक मंसूबों के साथ सीमा पार से आए 3 से 4 दहशतगर्द बारामूला में कोहराम मचाने की फिराक में थे। निशाने पर 46 राष्ट्रीय राइफल्स और बीएसएफ कैंप था। 2 गुटों में आए आतंकियों ने पहले गेट पर ग्रेनेड फेंका। और फिर बीएसएफ कैंप पर फायरिंग शुरू कर दी। आर्मी की घातक कमांडो फोर्स ने मोर्चा संभाला। बीएसएफ ने भी अपने जवान भेजे। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडो बुलाए गए और फिर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। हमले की जानकारी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल को दी गई। टेररिस्ट की फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पे नजर आती है। पूरी दुनिया में अलग थलग हुए उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी सरजमी को इस्तेमाल कर रहा है टेररिज्म के बाद में। सार्क का भी फेलियर इसी वजह से हुआ लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता। उन्होंने बीएसएफ के कैंप को अटैक किया है और बीएसएफ के कैंप के माध्यम से उन्होंने आरआर बटालियन को भी अटैक किया है। ये जो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो ये पूरा करना चाहते हैं उसमें अभी तक ना तो इनको उरी में सफलता मिली, ना पठानकोट में सफलता मिली और ना ही बारामूला में मिलेगी। इससे एक टेंशन जरूर वो क्रिएट कर रहे हैं। ये हमला तब हुआ जब देश हाई अलर्ट पर है। आतंकी हाफिज सईद ने आतंकी हमले की धमकी दी थी। आपको बता दें कि इससे पहले 18 सितंबर को उरी में आतंकियों ने हमला किया था जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। 28 सितंबर की रात को हिंदुस्तानी सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसमें 30 से 35 आतंकी ढेर हो गए थे। यानी कुचलने के बावजूद भी आतंकी कोबरा फिर फुंकार मार रहा है। आशंका है कि फिर से आतंकी ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री से लेकर एनएसए तक की इस पर नजर है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो सुरक्षा मामलों के जानकारों की माने तो सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है और ये आशंका पहले ही थी। जिस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष बुरहान वानी जैसे आतंकी को हीरो मानते हैं, स्वाभाविक है उसी प्रकार का आचरण उस राष्ट्र का रहेगा और यही नतीजा है कि आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है और एक्सपोज हो गया है। ये जो घुसे हैं बारामूला कैंप के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के अंदर, ये पहले से आए हुए हैं और इनको जो है या तो लोकल गाइड ने गाइड किया हुआ है या स्लीपिंग एजेंट है या वो पहले दो तीन दिन आकर के कहीं इनको लोकल सपोर्ट से इनको मदद मिली है। अब ये बड़ी अच्छी बात है, मुबारक की बात है कि हमारे लोग पूरे अलर्ट थे, खबरदार थे और नुकसान ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन ये है कि
ये पहली और आखिरी कोशिश नहीं है। हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सारी स्टेट में कहीं भी ये कोई मेजर इंसिडेंट कर सकते हैं। उसको रोकने का तरीका एक ही है कि इनको फुर्सत नहीं मिले बैठने की, इनके पीछे हम इनको ढूंढ ढूंढ के इनको मारें, न्यूट्रलाइज करें, इनफेक्टिव बनाएं, और ताकि एक पैनिक जनरेट हो उनके अंदर। आज वो कोशिश कर रहे हैं पैनिक हमारे यहाँ जनरेट करने के, देखिए कहीं भी अटैक हो सकता है, किसी भी हो सकता है, हर आदमी को खबरदार रहना चाहिए और ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि वी आर ऑन द टॉप, वी आर ऑन द टॉप एंड देयर वी आर गोइंग टू स्टे ऑन द टॉप। उससे ही ये पाकिस्तान की जो आने वाली शरारत है उसको रोका जा सकता है, और जब कभी होगी भी तो उसको बड़ा इफेक्टिवली हम डील कर सकते हैं। खालिद हुसैन हमारे संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए। खालिद, फिलहाल क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? दूसरी बात ये बताया जा रहा है कि जवान की जो शहीद होने की बात कही जा रही है, और दूसरी बात आतंकियों के मारे जाने की जो बात बताई जा रही है, क्या उस बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये जानकारी मिल रही, डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। देखिए, एक ऑपरेशन कॉल ऑफ किया गया है, जो पुलिस ने हमें खबर दी है उसके मुताबिक जो मिलिटेंट्स थे वो भागने में सफल हुए हैं, और इसमें एक बीएसएफ जवान की कैजुअलिटी हुई है, साथ ही साथ एक घायल हुआ है। सेना का कोई भी जवान इसमें घायल नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया है, और जो एक्सटीरियर्स हैं बारामूला के उनमें नाके लगा दिए गए हैं, ताकि अगर मिलिटेंट भागे हों तो उन नाकों को पकड़ा जाए, और बारामूला शहर को पूरा जो टाउन है उसको अलर्ट कर दिया गया है, और लगातार जो है सर्च ऑपरेशन एक्सटीरियर्स में चल रहा है, लेकिन कैंप के इर्द गिर्द जो है वो कॉल ऑपरेशन कॉल ऑफ कर दिया गया है। जी शुक्रिया खालिद, तो आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल फॉलो अप किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बारामूला में पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यूपी से खबर है, जहां पर ग्रेटर नोएडा के नॉनेज पार्क के प्राइवेट हॉस्टल में बीटेक स्टूडेंट्स रैगिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि सीनियर छात्रों ने 30 सितंबर की रात 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जूनियर छात्र को बंधक बनाकर उसकी रैगिंग की। पीड़ित छात्र का आरोप है कि इस दौरान उसे बेल्ट और रॉड से बुरी तरह पीटा गया है। पीड़ित छात्र के घर वालों ने इस मामले में नॉलेज पार्क पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई है। पीड़ित छात्र कानपुर का रहने वाला है, वो ग्रेटर नोएडा के नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ऑटोमोबाइल ट्रेड से बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। पीड़ित ने इसी साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। 1 सितंबर को वो आर्यन छात्रावास में शिफ्ट हुआ। 30 सितंबर की रात मेस में खाना खाने के बाद लिफ्ट में उसे दूसरे कॉलेज के सीनियर छात्र मिले। सीनियर उसे अपने साथ ले गए और उसके बाद उसके साथ रैगिंग और मारपीट की गई। तीस तारीख के आसपास इस बच्चे के साथ में कोई घटना घटी, जो हम लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी सूत्रों से नहीं पता चली। फिर 1 तारीख को जब कंटिन्यूसली हम अपने बच्चे को फ़ोन करते रहे, कॉल करते रहे, और उसका कोई भी हमको कॉल बैक नहीं आया, तो फिर उसको मैसेज भी किया, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं आया। फिर 3:30 बजे के आसपास, बच्चा मेरा नोएडा में था, मैं कानपुर में रहने वाला हूँ, कानपुर में था, जब 4 बजे के आसपास बच्चे ने फिर उनको एक व्हाट्सअप किया, मैसेज किया, और उसमें बच्चे ने अपनी पीठ दिखाई जिसमें खून बिल्कुल बुरी तरीके से मारा गया था, और बच्चा ना बोलने की हालत में था ना किसी भी हालत में था। फिर मैं, सर मैं कैसे, मैंने ड्राइव किया, मैं कैसे आया, मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। अमित चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या कोई बयान आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर हॉस्टल की तरफ से? देखिए दीपाली, ये प्राइवेट हॉस्टल है और यहाँ पर 2 कॉलेजों के स्टूडेंट रहा करते थे। दोनों अलग अलग कॉलेज हैं जिन दोनों छात्रों के बीच में मारपीट हुई है। लोअर कॉलेज के करीब आधा दर्जन के आसपास स्टूडेंटों पर इस छात्र के साथ मारपीट करने का आरोप है। जो शुरुआत हुई वो डीओ लगाने को लेकर शुरुआत हुई थी, जिसके बाद पीड़ित छात्र को बुरी तरीके से पीटा गया, उसकी वीडियो बनाई गई। अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि FIR दर्ज कर ली है पीड़ित छात्र के परिवार की शिकायत पर, और जांच की जा रही है, क्योंकि कॉलेज के बाहर की ये घटना है तो कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल को चलाने वाले लोगों पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर वहां पर व्यापक जो इंतजाम है वो नहीं थे, और कॉलेज ने वहां तक जो छात्रों को भेजा है वो पूरी जो सुविधाएं हैं वो वहां पर नहीं देखी। फिलहाल कॉलेजों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी कॉलेज की तरफ से कोई बयान इस मामले में नहीं आया है। दीपाली शुक्रिया अमित, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
लगातार आपसे इस मामले में बातचीत करते रहेंगे। और तो आपको ये बता दें कि पहले तस्वीर दिखाते हैं जिस बच्चे को बुरी तरीके से पीटा गया है और रैगिंग की गई है और उससे किस तरह पीटा गया है, ये तस्वीर देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रैगिंग को लेकर कितनी सख्ती है। उसके बावजूद अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो क्या फायदा इस रैगिंग की सख्ती का, क्योंकि इस बच्चे को जिस तरीके से पीटा गया है वाकई ये चौंकाने वाला मामला है। उसके बावजूद अभी तक कॉलेज प्रबंधन की तरफ से या फिर वो भले ही प्राइवेट हॉस्टल हो वहां से कोई भी बयान कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बोलने से यहाँ पर मना कर रहे हैं, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब क्या जो सीनियर छात्र हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अगर कॉलेज प्रबंधन बोलने के लिए तैयार नहीं है तो कार्रवाई की उम्मीद कैसे की जाए। लेकिन तस्वीरें देखिए जिस तरीके से बच्चे को पीटा गया है। आगे बढ़ते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट बहुचर्चित नीतीश कटारा मर्डर केस के दोषियों की सजा का ऐलान कर सकता है। विकास यादव, विशाल यादव, सुखदेव पहलवान को हत्याकांड में दोषी करार दिया गया था। नीतीश कटारा की हत्या फरवरी 2002 में हुई थी और इस मामले में विकास यादव, उसके चचेरे भाई विशाल यादव और सहयोगी सुखदेव पहलवान को दोषी ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट ने दोषियों की उम्र कैद की सजा किसी छूट के बिना 25 साल तक के लिए बढ़ा दी थी। देखिए, मुझे न्याय की उम्मीद हमेशा रही है इस देश की न्यायपालिका से और आज भी है, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का जो कन्विक्शन ऑर्डर था उसका मान रखा है, उसको अपहोल्ड किया है। उस कन्विक्शन ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये जघन्यतम अपराध है, ब्रूटल है और ये ऑनर किलिंग है। तो जो कन्विक्शन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है उसका मान रखते हुए और अपनी उस अपहोल्डिंग का मान रखते हुए मुझे उम्मीद है कि जो उन लोगों ने क्रिमिनल्स ने ये अपील करी है कि हमारी सज़ा कम की जाए वो नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, और नीतीश को कम से कम इतना न्याय तो मिलेगा कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो उसका मान रखें। पूरा मामला क्या है ये आपको बता देते हैं। 2002 में 16-17 फरवरी की रात हुई नीतीश कटारा की हत्या हुई थी। बाहुबली डीपी यादव के बेटे विकास यादव, रिश्तेदार विशाल यादव और सुखदेव पहलवान पर लगा था नीतीश की हत्या का आरोप। लोअर कोर्ट में मई 2008 में तीनों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आरोपियों ने हाईकोर्ट में सजा को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2014 को सजा को बरकरार भी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त 2015 को सजा बरकरार रखी।